हाँ जाना कर दे दूंगा। वेलकम बैक टू माई चैनल, आई एम शिवराज यादव। सो मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि आपके लिए अर्टिगा VXI पर ओनरशिप रिव्यू लेकर आऊं, बट कुछ रीजंस के कारण पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तन्मय को भी टाइम नहीं मिल रहा था। सो ये है तन्मय तिवारी जो कि अर्टिगा को ओन करते हैं। सो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बिकॉज अर्टिगा एक ऐसी MPV है जो कि मोस्ट अफोर्डेबल बजट में मिलती है, मेंटेनेंस भी कम है एंड रीसेलिंग भी अच्छी है। तो जो भी लेने का प्लान कर रहा है उसको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि एक्चुअल में कितना माइलेज मिला। और एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि BS6 जैसे ही लॉन्च हुआ था वैसे ही तन्मय ने बुक करके परचेस कर ली थी। सो आप में से चैनल पर कोई भी नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अब स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से। तो सबसे पहली चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, ये कौन सा वेरियंट है, कब परचेस करा था एंड उस टाइम इसकी ऑन रोड प्राइस क्या थी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो गाइस, भाई ये जब मैंने ली थी BS6 मॉडल जब लॉन्च हुआ था सबसे पहले मैंने बुक कर दी थी, क्योंकि ब्रो उस टाइम जो MPV जो गाड़ी आती है उसमें मेरे बजट में सबसे बेस्ट गाड़ी अर्टिगा ही लगी थी मुझे। और सेकेंडली जब ये आई थी तो इसका ऑन रोड प्राइस मुझे पड़ा था 9,46,000। लोग बोलेंगे इसमें ZXI भी आ जाती, हाँ तो ZXI इसलिए नहीं ली क्योंकि ZXI में लग रहा था टाइम और मुझे चाहिए थी गाड़ी ऑन रोड जल्दी से। तो उसके लिए फिर मैंने काम करा था कि मैंने उसको VXI को ही सारे इसमें एसेसरीज डलवा कर और सब पूरी कंप्लीट करवा के इसे 9,46,000 में ले ली थी। सो दोस्तों जैसा कि इसने बताया, अराउंड 9.5 लाख की गाड़ी को परचेस करा था। तो उस टाइम मैंने इसकी रिव्यू वीडियो भी डाली थी और एसेसरीज की भी डाली थी। आप में से किसी ने नहीं देखी है तो लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगी। अराउंड 80,000 की इसमें एसेसरीज लगी है। मैं समझाऊंगा तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए आपको वो वीडियो देखनी है तो लिंक आई बटन पे मिल जाएगी। सब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो आपने अर्टिगा ही क्यों ली? उस टाइम XL6 लॉन्च हुई थी कि नहीं मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, बट सब कॉम्पैक्ट SUV भी आप ले सकते थे। अर्टिगा लेने के पीछे कोई स्पेसिफिक रीज़न? जैसे क्वेश्चन के हिसाब से तुमने पूछा कि XL6 क्यों नहीं ली, तो जब भाई XL6 लॉन्च नहीं हुई थी और सब कॉम्पैक्ट में मैं XUV भी ले सकता था। बाकी मुझे जो इसकी फोल्डिंग सीट्स का पसंद आया था कि सारों सीट्स फोल्ड हो जाती है, जो फिर इसमें प्रॉपर जगह रहती है, आप लेट के भी चले जाओ आराम से, लॉन्ग टूर में जाना तो आराम से बेड बेड बना के जो सारी सीट्स फोल्ड हो जाती है, वो मुझे इसका फीचर बहुत प्यारा लगा था। इसलिए उस समय में मुझे मेरे बजट में सबसे बेस्ट गाड़ी अर्टिगा ही लगी थी। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं पूछना चाहूँगा कि अराउंड आपको 1 ईयर हो चुका है गाड़ी यूज़ करते हुए, तो कंपनी ने कितनी क्या फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करी थी एंड उसके बाद इस गाड़ी का कितना मेंटेनेंस है? मतलब आपको जो आपने शोरूम से सर्विसेज कराई बाद में जो पेड है, तो उसमें आपका अराउंड कितना बजट आता है सर्विस का? फ्री सर्विसेज की बात करूँ तो जितनी भी फ्री सर्विसेज थी कंपनी की तरफ से वो तो हमने टाइम पे करवा ली थी। बाकी उसके बाद मेंटेनेंस की बात करूँ कि जैसे जो थोड़ा बहुत ऑयल का खर्चा आता है, AC का जो लगता है, जितने भी मेंटेनेंस लगता है, तो ओवरऑल मुझे 5,000-6,000 पर पेड सर्विस लगी थी, जिसमें मुझे ऑयल फिल्टर चेंज हुए थे, जिसमें इंजन ऑयल चेंज हुआ था, ऐसे छोटे मोटे चेंजेस होते रहे थे और मेंटेनेंस का फाइव आपने शोरूम से ही कराई? हाँ सारी मैंने जितनी भी सर्विस करवाई, जितनी भी सब चीज़ें मैंने शोरूम से ही करवाई है। मार्केट काय के लिए नहीं, नहीं मैं मार्केट में किसी चीज़ के लिए भी नहीं गया हूँ, सब चीज़ें मैंने शोरूम से ही करवाई है। सो नेक्स्ट बात करते हैं अब माइलेज की, जो कि अधिकतर लोगों का डाउट रहता है। सो आपकी रनिंग भी बहुत ज़्यादा रही है, तो एक्चुअल माइलेज कितना दिया है सिटी एज वेल एज हाईवेज पर? अगर हम सिटीज़ की बात करें कि सिटीज़ में क्या एवरेज दिया, तो उसका सिटी में एवरेज था 10-11, क्योंकि सिटीज़ में इतना अच्छा प्रॉपर रश ज़्यादा रहता है, बार-बार चेंजिंग ज़्यादा रहती है, तो उस कारण उसका एवरेज 10-11 ही था। बाकी हाईवेज की भी बात करें तो हमें 13 से ज़्यादा एवरेज कभी नहीं मिला, क्योंकि हमारी रश ड्राइविंग की वजह से स्पीड के कारण, स्पीड हमेशा 120 अबव रही है, तो और गाड़ी में लोड भी ज़्यादा रहता था, हमेशा हमने 7 सीट्स यूज़ करी है, तो उस कारण से इसका जो माइलेज मिला हमें हाईवे पे वो 30 ही मिला। सो गाइस आप ये मत समझना कि यार अर्टिगा का माइलेज कम है, बिकॉज इंडिविजुअल ड्राइविंग के ऊपर डिपेंड करती है। इनकी बहुत रैश ड्राइविंग है, इंस्टाग्राम की स्टोरीज देखता हूँ फिर भी 120 के नीचे तो स्पीड रहती नहीं है। और हमने इसी गाड़ी का अर्टिगा का टॉप स्पीड टेस्ट बनाया है, वही वाली एसेसरीज की लिंक में आपको मिल जाएगा और उसी से आपको इसकी ड्राइविंग भी पता लगी जाएगी, 170 क्रॉस ले गए थे। सो नेक्स्ट चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर दो, अगर अर्टिगा का कौन सा आपका लॉन्ग ड्राइव एक्सपीरियंस होगा और पैची रोड्स पर भी कैसा रिस्पॉन्स रहा है, मतलब ओवरऑल कहीं भी अगर आप लॉन्ग ड्राइव पर गए हो तो गाड़ी में आपको क्या दिक्कतें आई, क्या इसके बेनिफिट्स रहे हैं, तो सारी चीज़ें हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर दें। अब लॉन्ग ड्राइव की बात करें तो एक बार हम थोड़ा लॉन्ग रूट पे गए थे जिसमें लगेज भी हमारा अच्छा खासा था, लोग भी ज़्यादा थे, हम 6-7 लोग थे,
तो उसमें बात करें तो गाड़ी की हैंडलिंग बहुत मुझे प्यारी लगी, क्योंकि स्पीड हमारी 120-130 थी और उस स्पीड में हैंडलिंग लोगों को कट दे के निकलना, तो वो चीज़ प्यारी लगी मुझे। उसके बाद दूसरी कंफर्ट की बात करूँ तो बढ़िया, सब चीज़ें बढ़िया थी। बस थोड़ा सा मुझे एक नेगेटिव पॉइंट लगा था, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो इतनी प्रॉपर नहीं है कि जो दूसरी गाड़ियों के 7 पैसेंजर सारे बैठने के बाद, हाँ 7 पैसेंजर बैठने के बाद सॉकअप्स भी दब जाते हैं। और बस स्पीड का ये एक पिकअप भी बढ़िया था, क्योंकि 1500 सीसी का इंजन है और पेट्रोल है तो पेट्रोल में आपको खुद ही को पता है कि गाड़ी का इंजन कितना प्यारा लगता है। और उसके बाद स्मूथ वॉइस रहती है, ज़्यादा इंजन आवाज़ नहीं करता है, तो वो सब चीज़ें मुझे बढ़िया लगी थी। बस थोड़ा सा एक ग्राउंड क्लियरेंस की बात थोड़े से करें तो वो मुझे कम, और बाकी जो हाईवेज पर अनसर्टेन ब्रेकर्स आते हैं उसमें कभी टकराने का इशू तो नहीं आया सारे पैसेंजर्स और लगेज के साथ? नहीं, ऐसा कभी कुछ इशू नहीं आया है, मतलब ये सब चीज़ें नहीं हुई है। जो मैं दूसरी चीज़ कहना चाह रहा हूँ, जैसे कहीं इसमें बड़ा गड्ढा वगैरह हो, जैसे कि अपन ऑफ रोडिंग में जाए तो थोड़ा सा वहाँ पे चलाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है इसको, बाकी पैची रोड पे और इन सब चीज़ों में कोई ऐसा जैसी कोई दिक्कत नहीं था। सो नेक्स्ट चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि इस टाइम ड्यूरेशन में कुछ पार्ट्स चेंज हुए हैं क्या, और एसेसरीज जैसा कि आपने शोरूम से लगवाई ली थी बट आफ्टर मार्केट भी कुछ लगवाई है क्या, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करिए। सबसे पहले हम एसेसरीज की बात करें तो तुझे पता है कि मुझे सारी एसेसरीज मैंने पहले शोरूम से डलवाई थी, बाकी कुछ एसेसरीज से दो एसेसरी जो मैंने बाहर से डलवाई है, पहले तो ब्लाइंड सन ब्लाइंड जो था वो मैंने वहाँ से बाहर से डलवाया था, और सेकंड एक क्रीम कलर की पूरी मैटिंग करवाई है मैंने, 5D मैट्स वो जो करवाई है वो मैंने बाहर से करवाई है। एसेसरीज तो मैंने सिर्फ दो ही चीज़ें बाहर से लगवाई है, शोरूम में तो मैट्स इतने अच्छे मिलते हैं, हाँ तो शोरूम से मैट्स जो थे वो सब तो करवा दिए थे, उसके बाद भी मैंने दो चीज़ लगवाई है। और उसके बाद करूँ मैं पार्ट चेंज की बात तो हाँ भाई, जैसे बताया तुझे कि 120 स्पीड पर गाड़ी चलाना तो हो जाता है थोड़ा बहुत एक्सीडेंट वगैरह, तो पार्ट चेंज की बात करूँ तो मैंने इसका कुछ अंडर बॉडी जो ये पूरी चेंज हुआ है। इसके बाद गेट में भी थोड़ा सा काम हुआ है, मैं तुझे देख सकता है कि ये थोड़ा सा इसमें गेप है बीच में, डेंटिंग करवाई है इसमें, डेंटिंग पेंटिंग हुई है बीच में, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो चेंज हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी, अगर पास में आपको मैं थोड़ा दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी स्क्रैचेस आपको दिख रहे हैं। तो ये जो सारे पार्ट्स है इंश्योरेंस में क्लेम हो गए थे? हाँ, ये सब चीज़ें इंश्योरेंस क्लेम के थ्रू, मुझे सिर्फ 2000 रुपये फाइल चार्ज लगा था और पूरा इंश्योरेंस में पूरी चीज़ें चेंज हो गई थी। ऐसा कोई बड़ा मेंटेनेंस नहीं आया अभी तक? हाँ, कोई ऐसा कुछ बड़ा मेंटेनेंस नहीं आया है, छोटा मोटा है जो बॉडी पार्ट्स में डैमेज हो जाता है जिसको डेंटिंग पेंटिंग और थोड़ा बहुत चेंज करवा के वो आप बाहर से ही करवा लीजिए। सो मैं नेक्स्ट चीज़ पूछना चाहूँगा जो कि मारुति सुजुकी का सबसे मेन क्वेश्चन पहले आता है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, आपको कुछ कैसी लगी आपका पर्सनल एक्सपीरियंस बिल्ड क्वालिटी से लेकर? भाई बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो तुझे सभी को पता है कि मारुति सुजुकी की बिल्ड क्वालिटी को छोड़ के सभी चीज़ें अच्छी होती है, तो इसमें कि थोड़ी सी लाइट वेट बॉडी है इसकी जो कि मुझे फील होता है गाड़ी में बैठ कर कि हाँ हवा के टाइम थोड़ा सा अगर चारों कांच खुल लें और रश ड्राइविंग हो रही है तो गाड़ी का थोड़ा सा फ्लो में आना, बाकी बिल्ड क्वालिटी छोड़कर पूरी गाड़ी बेस्ट। हाँ, बाकी बिल्ड क्वालिटी छोड़ के देखें तो अर्टिगा इज द बेस्ट कार फॉर द फैमिली पर्सन। सो अर्टिगा एक मल्टीपर्पज़ व्हीकल है आप सभी को बताए, तो इसकी सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लगती है कि आप देखोगे तो आप अगर इसको एज अ 5-सीटर कार यूज़ करोगे तो आप देख सकते हो कितनी बड़ी बूट स्पेस है, मतलब आपके इसमें कोई भी बच्चे हैं छोटे तो उनके लिए एक बेड का काम करेगी। दूसरी चीज़ अगर आपको एज अ बेड यूज़ करना है तो वो अगर फोल्ड कर दोगे तो मैं श्योरली कह सकता हूँ कि दो लोग उसमें आराम से सो सकते हैं, ये मुझे अर्टिगा की सबसे अच्छी चीज़ लगती है। इनोवा जैसा कंफर्ट आपको कम बजट में चाहिए तो अर्टिगा आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहने वाला। तो नेक्स्ट चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि इसकी कूलिंग कैसी है, बिकॉज आपको रियर एसी वेंट्स भी मिल जाते हैं, तो ओवरऑल गाड़ी का केबिन की कूलिंग कैसी है, लॉन्ग ड्राइव्स पर आपको पता लगी क्या होगा तो व्यूअर्स के साथ शेयर करिए। इसकी कूलिंग की बात करूँ तो इसकी कूलिंग बहुत प्रॉपर है, क्योंकि सबसे लास्ट वाली रो तक हवा जाना और बंदे को गर्मी ना लगना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हर गाड़ी का इतना पावरफुल एसी नहीं होता, इतनी अच्छी कूलिंग नहीं होती, तो इसकी कूलिंग बहुत प्रॉपर है क्योंकि इसकी कूलिंग इस साइड भी ऊपर है। देखिए जैसे कि आपको पता है कि सेकेंड रो के अंदर कूलिंग का भी ऑप्शन दिया है जो थर्ड रो को और सेकेंड रो को कवर करती है, और आगे जो है वो तो करती ही है, तो सबसे प्रॉपर चीज़ मुझे इसकी यही लगी है कि इसे तीनों रो को कवर अच्छे से कर लेती है और तीनों रो को अच्छे से कूल कर देती है। तो पॉजिटिव बातें तो बहुत सारी कर ली गाड़ी की, अब कुछ नेगेटिव पॉइंट शेयर कर दीजिए जो कि आपको मतलब अर्टिगा में कुछ कमी लगी वो आप क्या शेयर करना चाहोगे। लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें हम तो मुझे सबसे पहले इसका हेडरूम की स्पेस थोड़ी कम लगी, क्योंकि अगर कोई बंदा 5'10" से ऊपर है तो उसको सीटिंग प्रॉब्लम आ सकती है और हो सकता है ब्रेकर्स वगैरह फिर ऑफ रोडिंग में थोड़ा सा उसका सर टकरा जाए, तो सबसे पहला पॉइंट नेगेटिव हम ये मान सकते हैं कि इसका हेडरूम थोड़ा सा कम है। और अब सेकंड नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो इसमें जैसे पीछे आर्मरेस्ट दिया हुआ है ऐसे गाड़ी के आगे भी आर्मरेस्ट होना चाहिए था, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ड्राइवर के लिए यहाँ पे आर्मरेस्ट नहीं है, जैसे पीछे वैसे आगे भी एक आर्मरेस्ट होना चाहिए था ताकि जब ड्राइवर लॉन्ग ड्राइविंग करे तो उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल राइड मिलेगा चलाने में, उसे प्रॉपर लगे। तो लास्टली वीडियो कंक्लूड करते हैं तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि ओवरऑल इज़ इट वैल्यू फॉर मनी, मतलब आप गाड़ी से सेटिस्फाइड हो क्या, व्यूअर्स को सजेस्ट करोगे लेने के लिए?
अगर पॉइंट ऑफ व्यू की वैल्यू फॉर मनी की हम बात करें तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ इस गाड़ी से, बहुत अच्छी लगी मुझे ये गाड़ी। और हाँ, थोड़ा सा मैं सोचता हूँ कि अगर थोड़ा सा और रुक जाता तो एक्सेल सिक्स भी बहुत प्यारी थी, एकदम टॉप सीट्स के साथ बढ़िया, उसमें कैप्टन सीट्स वगैरह मिल जाती, उसमें भी एक्सेल सिक्स भी प्यारी थी। पर हाँ, जो अगर अपन मेरे बजट की बात करें कि इस बजट में अगर कोई सी गाड़ी बेस्ट है, सबसे प्यारी गाड़ी अर्टिगा है, क्योंकि 7 सीटर होना, उसके बाद भी पीछे स्पेस होना डिक्की वगैरह की, और सब चीज़ें की बात करें, अगर बैठने की कंफर्टेबिलिटी की बात करें, स्पीड की बात करें, पिकअप की बात करें, पेट्रोल गाड़ी है तो उसका पिकअप भी अच्छा है, और ओवरऑल अगर वैल्यू ऑफ मनी की बात करें तो गाड़ी मुझे बेस्ट लगी है। और मैं सजेस्ट करूँगा कि हाँ, अगर आप इस बजट में कोई सी गाड़ी अगर आप लेना चाहते हैं जो आपको फैमिली के लिए, आपको ज़्यादा सीट चाहिए हो, बड़ी गाड़ी चाहिए, तो सबसे बेस्ट गाड़ी इस बजट में अर्टिगा। सो जैसा कि तन्मय ने भी बताया, मैं वीडियो कंक्लूड करने के पहले दो चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आप एक CNG MPV लेना चाहते हैं तो अर्टिगा VXI CNG के अलावा आपको इंडिया में और कौन सी भी MPV नहीं मिलती है। उस टाइम हालांकि अर्टिगा VXI CNG नहीं आई थी, और बाकी गाड़ी बहुत ही अच्छी है, बिकॉज मारुति कार्स की बिल्ड क्वालिटी छोड़कर बहुत कम मेंटेनेंस रहता है। रीसेलिंग की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छी मिलती है। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और तन्मय का भी इंस्टाग्राम का यूज़र नेम आपको भी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, चाहो तो आप उसे पर्सनली भी जाकर कुछ DM करके पूछ सकते हो। सो चैनल पर कोई भी नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, उसी के पास आपको बेल आइकन दिखेगा उसको प्रेस कर लेना, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहेंगे।